कहानी मेकर में आपका भरतवीर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले टाटा स्टील्स BSL और इसके लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, घबराने का कुछ नहीं है। देख सकते हो आप, अभी 19 लोग बोल रहे हैं कि किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रांगली ओवरबोर्ड जोन में पहुंच चुका है। इतना ज़्यादा मूवमेंट दिया, कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए कुछ टाइम चाहिए दोस्तों के जिगजैग वे में बढ़े। ये एकदम स्ट्रांग बुलिश स्कोर देखो, जैसे कि नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर 93 में पहुँच गया है और RSI 91 में है दोस्तों, जो ओवरबॉट जोन में है। हम पता है 80 ओवरबॉट जोन में है और 90 स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन होता है, वही लिखा हुआ है। MFI देखो जो 80 से वो है कंसीडर स्ट्रांगली ओवरबॉट, तो 90 में पहुंच गया है, 98 में पहुंच गया है और 80 कंसीडर करता है वो स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन और 98 में पहुंच गया है। तो ये सब है दोस्तों। और 30 डेज SMA को भी 58.4 है, 50 डेज ऐसे में 53.6। ये स्ट्रांगली बुलिश जो रन है इसके वजह से हुआ है दोस्तों। थोड़ा सा इसको करेक्ट होने दो, आपको 80 के पास, अगर 80 के पास आए तो दोस्तों तब एंट्री करना। अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चलेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के नज़रिया जैसे 6 महीने में ही होल्ड करते हो तो आपका दुगना पैसा बनेगा। और अगर आपका पास्ट हिस्ट्री देख के बता रहा हूँ, और एक साल में तो ये 400% का रिटर्न दिया है। एंट्री पॉइंट इसलिए सही नहीं कर रहा है टिकट टेप के हिसाब से, क्योंकि स्ट्रांगली RSI जो है 91% हो गया है और AGM लिस्ट में भी इसलिए चला गया है दोस्तों। और PE देख सकते हो, अभी 2% था, अभी 4.28 हो गया, जो सेक्टर PE 59.84। तो PE बड़ा है, PE 2% बड़ा है और 100% अभी भी एक्सपर्ट बुलिश है और आगे का मूव दिखाएगा दोस्तों। 6 महीना होल्ड करोगे तो आपका, 6 महीना अगर आप होल्ड करोगे तो 170 के आसपास आपको मिलेगा दोस्तों इसको स्टॉक में। और थोड़ा सा RSI करेक्ट हो के ये बढ़ेगा दोस्तों। और स्ट्रांगली बुलिश है, स्ट्रांगली डिमांड है, चाइना से भी डिमांड है और ऑक्सीजन का भी डिमांड है, बहुत सारा ऑक्सीजन प्लांट का भी डिमांड है, स्टील का डिमांड है, गवर्नमेंट रेलवे बना रहा है, रेलवे में स्टील का डिमांड है। तो लो प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग है, ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका नेगेटिव नहीं है, सिर्फ ये इतना ज़्यादा मूव किया है इसलिए RSI थोड़ा सा आपका ओवरबॉट, स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन में चला गया। थोड़ा सा करेक्ट होने दो फिर एंट्री लो। एज ए स्विंग ट्रेडर अभी फिर से प्रॉफिट बुक करके फिर आप एंट्री कर सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि दोस्तों जब भी आपको 20-30% प्रॉफिट हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट लेते रहो, तभी मज़ा आएगा और तभी आपको भी एहसास होगा कि हाँ प्रॉफिट इनकम किया है। क्योंकि फिर नीचे आएगा, फिर आपका मतलब कि 20% नीचे आ गया, 20% ऊपर था, तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखो एक बार में कुतुब मीनार बना दिया है, तो ऐसे कोई स्टॉक एक बार में कुतुब मीनार बन के ऊपर जाता नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दो, थोड़ा सा इसमें नीचे आने दो, तब एक 80 के आसपास आपका बाइंग लेवल, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल बनेगा तब बनना, तो 140 फिर आ जाएगा आपका 1 महीने के अंदर और 2-3 महीने अंदर 170 देखने को मिलेगा। तो बहुत अभी पी इसका कॉम्पेरेटिव में दूसरे मेटल स्ट्रक्चर स्टॉक के हिसाब से आपका कॉम्पेरेटिव में पी बहुत कम है, पी भी बहुत कम है, बुक वैल्यू के हिसाब से कुछ है ही नहीं। तो ये लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना है, अभी इसको स्टेबल करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 1600 करोड़ से 2500 करोड़ हो गया, तो ये इतने तो ये भागेगा ही दोस्तों, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेट अभी होने दो, क्योंकि RSI ओवरबॉट जोन में जब भी जाता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आता है, थोड़ा सा नीचे आता है, घबराने बात नहीं है। आप अपना फ्रेंड के साथ शेयर करो दोस्तों, अपना खुद का चैनल उसको शेयर करो। जैसे एक साल में देखो, एक साल अगर होल्ड करके रखोगे तो 500% के आसपास आपका रिटर्न दिया है और लास्ट ईयर रिटर्न 1% हो गया। पोमो का देखो, ने अपना बढ़ाया है 0.76 से 1.11 का है, DII ने थोड़ा घटाया है, पब्लिक होल्डिंग बढ़ाया है, तो